नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तो ये बेटा सबसे पहले पेन नीचे रख के अभी कुछ नोट नहीं करना, समझना है। समरीत अगर वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन करना, पवन जो यूट्यूब। तो सबसे पहले ब्रीदिंग, ऑक्सीजन चाहिए क्यों है, क्या जरूरत है ना। विदाउट ऑक्सीजन हम क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रिएक्शंस। बेटा हर रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा समझी। चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, कोई सा भी रिएक्शन हो, उसको प्रोसीड करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शंस रुक जाएंगे, सेल्स मर जाएंगे, ठीक है। दिस एनर्जी is generated by किससे, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक होता है बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीदिंग कहते हैं, एयर अंदर लेके जाना, फाउल एयर बाहर निकालना, दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेल्स के अंदर होती है, That generates energy. वो क्या है? Another thing, cellular respiration does not require light. That's why. ये नहीं कि ये light की absence में तो नहीं होती, हर time है, but light की requirement नहीं है। Therefore, called as dark respiration. क्यों नाम दे दिया? क्योंकि इसके opposite photosynthetic tissues में photo respiration होती है, जो हम photosynthesis में करेंगे, right? Cellular respiration is कैसे energy generate करती है? Is ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड विच एनर्जी, एटीपी। एटीपी जो है, दिस इज द यूजेबल एनर्जी, क्योंकि जो हीट है वो भी तो एनर्जी की फॉर्म है, बट हीट हमारी बॉडी नहीं यूज कर सकती, सिर्फ एटीपी है जो यूजेबल एनर्जी है, जिसको सेल्स यूज करते, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, ऐसा नहीं कि इसको हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, इट कैन बी anaerobic, it can be aerobic. Anaerobic in absence of oxygen. फिर हम ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं अगर ये एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में है? क्योंकि फूड की इंटरनल ऑक्सीजन है जो यूज हो रही, बट क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब इनकम्प्लीट है तो इसलिए लिबरेट्स लेस एनर्जी। तो क्या अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या हमारे सभी सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा, शुरू हो जाए थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो मिलती रहेगी। वो इसलिए नहीं, बिकॉज हमारे सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स नहीं है, उसकी मशीनरी नहीं है। हमारे सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन की मशीनरी है, इसलिए हम कहें कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आजकल हम ये कहें कि अगर कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या उनको पूरा रेस्ट दो, वो कोई और काम ना करें, ताकि थोड़ी थोड़ी एनर्जी, जीने के लिए एनर्जी मिलती रहेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन से। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सेल्स, अवर सेल्स एक्सेप्ट फ्यू, जैसे RBCs है, रेड ब्लड सेल्स है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी, है, बाकी सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन की मशीनरी नहीं है। दैट्स व्हाई दे नेवर परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मैम फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा। हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड, राइट? इट कैन बी एनारोबिक, इट इज एरोबिक। एनारोबिक मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आधा बचाधा खाना टूटेगा और थोड़ी सी एनर्जी लिबरेट होगी। हम ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि जैसे कोविड पेशेंट्स है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो कहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स बेचारे अनफॉर्चुनेटली कि भाई वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, क्योंकि हम उनको एक्सटर्नल ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दे डाइड ड्यू टू दैट। तो हम ये कहते हैं अभी क्यों मर गए, एनारोबिक रेस्पिरेशन उनके सेल्स कर लेते, क्या था थोड़े टाइम बाद ऑक्सीजन मिल जाती। बट आवर सेल्स कैन नॉट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज वी डू नॉट हैव एंजाइम, वी डू नॉट हैव मशीनरी फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके पवन जोर? यस मैम, मैं नोट कर ले रहा हूं। बस अभी करना, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दूं फिर नोट करना। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो है कहां पे, जैसे हम ये कहते हैं कि भी लेट अस से ड्रग्स आनी है, ड्रग्स का मतलब वो कोकेन, हीरोइन, ड्रग्स का मतलब दवाइयां आनी है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्पेसिफिक जो है वो एक, यू कैन से एक पूरी मिनिस्ट्री है, हम वो कहेंगे कि फॉरेन से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, इजराइल से, कहीं से भी, चाइना से, यहाँ से दवाइयाँ आनी है, तो वो गवर्नमेंट जो है हमारी, उसकी एक जो ब्रांच है या मिनिस्ट्री है, वो लेगी, वो रिसीव करेगी, ठीक है, और वही गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो उनको पैसे देगी, ड्रग्स रिसीव करेगी और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आप ये सोचो कि जो एटमॉस्फेयर है, लेट अस से जो हमारे लंग्स है, लंग्स इज द मिनिस्ट्री, राइट, या हमारी बॉडी एक इंडिया है। आप ये सोच के देखो कि हमारी बॉडी एक इंडिया है, जो एनवायरनमेंट है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या हुआ है, हमारे लंग्स ने क्या रिसीव की, ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन मुझे दो, मैं इंडिया में बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लंग्स जो है हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी बॉडी इंडिया है, लंग्स उसकी एक मिनिस्ट्री है, जो एनवायरनमेंट है वो वर्ल्ड है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऑक्सीजन इस मिनिस्ट्री के पास जा रही है लंग्स में, और लंग्स जो है बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और लंग्स पेज द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट ओके? सो व्हाट आर लंग्स, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द ब्लड, राइट? तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द स्ट्रक्चर्स
विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड ब्लड. These are called as respiratory organs. What are the features of respiratory organs? Kya features hai? They should be, pehli baat to thin walled and permeable to gases, क्योंकि इन्होंने gases का इनको exchange करना, तो permeable ये gases को अंदर बाहर आने जाने दे सके. Second है, they are moist, क्योंकि जो gases है वो dry surface से exchange, उनकी diffusion नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, और मीडियम कौन दे रहा है, दैट फ्लूइड, इसलिए ये मॉइस्ट है. आर मॉइस्ट एंड गैसेस रिक्वायर सम मीडियम फॉर डिफ्यूजन. एंड थर्ड इज highly vascularized का क्या मतलब है बेटा, that is इसका मतलब है has lot of blood vessels. क्यों बोला, क्योंकि बेटा जो environment है हम उसको कहते हैं वो तो अनंत है ना, वाइड है, इनफिनिटी है, जबकि वहां से रेगुलर हवा आ रही है, बाहर जा रही है, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाए, इसलिए एल्वियोलाई या लंग्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स की एक जाली होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है फॉर द क्विक डिफ्यूजन ऑफ द गैस. दैट इज व्हाई दी शुड बी द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट बेटा. तो पहले जो है आप ये सारा कर लो और फिर मैं आगे करवाऊंगी, ये लिख लो सारा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. अगर हम एनिमेलिया याद करें जो आपने नाइन्थ में किया है, तो सबसे पहले आ जाता है पॉलीपर, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस. सेकंड है सीलेंट्रिप्स, जिसमें हाइड्रा आ जाता है. थर्ड है फ्लैटी हेलमेंथस, या फिर जिसको हम बोल देते हैं फ्लैट बॉल्स. नेक्स्ट आ जाता है एस्केलमेंथस और राउंड बॉल्स. Another is annelids, जिसमें earthworm आ जाता है. Arthropods, जिसमें insects आ जाते हैं, but ये aquatic भी हो सकते हैं और terrestrial भी. Aquatic such as prawn, terrestrial such as insects. Then mollusks, again
एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, जिनमें बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कौन कौन मेन आता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बट हम मेन की बात कर रहे हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लास्ट में है मैमल। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? बेटा इन दोनों में हम कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। क्या मतलब है डायरेक्ट रेस्पिरेशन का? इसका मतलब है नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो डिफ्यूजन कैसे होती है गैसेस की? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डायरेक्टली बिटवीन सेल्स एंड एनवायरनमेंट थ्रू बॉडी वॉल। तो हम कहते हैं देखो बेटा बॉडी वॉल क्या है, यहां पे मैं थोड़ा सा ये बॉडी वॉल है, ये एनवायरनमेंट है, ये सेल्स है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, ऑक्सीजन CO2। तो ये बॉडी वॉल हमने कहा थ्रू बॉडी वॉल, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? अब देखो क्या है, ये है स्पॉन्जेस में या सीलेंट्रेट्स में, हमारे में क्या है लेटर से कहीं पे भी, ये सरफेस है, ये एनवायरनमेंट है, ये सेल्स है, सेल्स के बीच में ये ब्लड वेसल्स है, अब ऑक्सीजन सेल्स में डायरेक्ट नहीं जा रही है, ऑक्सीजन इस सरफेस से पहले ब्लड में जा रही है, ब्लड से फिर सेल्स में जा रही है, ये है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। यहां से सीधा सेल्स में जा रही है, ये पहले ब्लड में जाएगी और फिर सेल्स में जाएगी, डू गेट मी? तो यहाँ पे बॉडी वॉल को हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये तो सिंपल सिर्फ ये है कि इसके थ्रू अंदर बाहर जा रहे हैं बट सीधा सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डू यू गेट मी? ठीक है, तो यहाँ पर इधर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसको दे रहा है? पहले ब्लड को और ब्लड फिर सेल्स को दे रहा है। ओके, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता चला बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्लैट वर्म्स में। ठीक है जी, इसलिए ये डायरेक्ट है बेटा। अब आ जाता है प्लेटीहेल मंकी से, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? दैट इज इसमें भी डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन, हियर ऑल्सो डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इन चारों में डायरेक्टली एनवायरनमेंट से सेल्स में जाती है थ्रू बॉडी वॉल, ब्लड का कोई रोल नहीं है, ब्लड है ही नहीं इनमें तो ब्लड का रोल भी नहीं है, राइट? तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसमें आए? दैट इज एनिलिड्स में। ध्यान से अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑक्सीजन या एयर गोज इन स्किन, देन इन ब्लड
और ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन टू वेरियस सेल्स. देयरफॉर स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. जब स्किन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट करे तो हम उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स सच एज एग्जाम्पल है प्रॉन. अनदर एग्जाम्पल इज स्कॉर्पियन. और भी बहुत सारे हैं बट ये ज्यादा दीज आर एक्वेटिक. ब्रेंकियल रेस्पिरेशन दैट इज थ्रू गिल्स. और जो टेरेस्ट्रियल है एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स. हम इसको कह देंगे ट्रेकियल रेस्पिरेशन. हाँ जी बेटा. मैम जो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन है मैम ब्रोंकाई वाला वा? नहीं ब्रोंकाई तो हमारे में होते हैं ठीक है. ट्रेकियल मतलब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन. जैसे फिशेज में गिल्स होते हैं ना ऐसे ही उनके लिए ब्रोंकाई तो हमारे में है लंग्स के थ्रू है वो हम बाद में बात करते हैं अभी वो तो डिटेल करें. ट्रेकियल रेस्पिरेशन दैट इज थ्रू ट्रेकिया एंड ट्रिक्यूल्स. इसके बाद एक्वेटिक मोलस्क्स में गिल्स. टेरेस्ट्रियल में लंग्स. मोलस्क्स कौन से होते हैं सीपिया शंख ये सब मोलस्क्स है ठीक है. उसके बाद फिशेज में गिल्स. एम्फीबियंस में लंग्स एंड स्किन. बाकी सब में रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स में लंग्स के थ्रू है. और आपने जहां पे भी लंग्स लिखना है ना तो ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने दैट इज मेरे पास वहां पे जगह नहीं है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. मैंने बताया है अगर स्किन के थ्रू है क्यूटेनियस. अगर गिल्स के थ्रू है दैट इज ब्रेकियल या ब्रेंकियल. अगर ट्रेकिया के थ्रू है तो ट्रेकियल. और अगर लंग्स के थ्रू है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जहां पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स है एनिलिड से लेकर वर्टिब्रेट्स तक दे शो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. जबकि पोरिफर से एस्केलमेंथस तक डायरेक्ट रेस्पिरेशन. ये मैं इसके बाद करवाती हूँ आपको. पहले आप ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिख लो. तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. हमने कहा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड एनवायरमेंट टू बॉडी वॉल. इनडायरेक्ट में सेल्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ
एनवायरमेंट. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एनवायरमेंट. रेस्पिरेटरी ऑर्गन देन डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द सेल्स. दिस इज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. इज इट ओके? उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. पहले यहां पे देखना और फिर लिखना है. सबसे पहले आ जाएगा नोज. ये आ जाते हैं नेजल चैम्बर्स. नेजल चैम्बर्स से कहां पे गया? यहां पे छोटे छोटे अपर्चर्स हैं, इंटरनल नेरीज, जिसके थ्रू ऑक्सीजन गई. दिस इज नेजोफेरेंक्स. ये इसके बाद आ जाता है बेटा माउथ वाला रीजन. यहां से खाना आ रहा है. दिस इज यू नो ओरोफेरेंक्स. कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ये आ जाती है ईसोफेगस, पीछे वाली साइड हमारी. दैट इज फूड पाइप. एंड दिस इज यू नो ये थोड़ा सा दिस इज ये जो पोर्शन है दिस इज ग्लॉटस. यहां से हवा इधर चली जाती है, खाना इधर चला जाता है. दिस इज ग्लॉटस विच इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटस. एंड इट ओपन्स इनटू ट्रेकिया. विच हैज टी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये नीचे आया. And then it divides into in the thoracic cavity, it divides into two tubular structures called as primary bronchi. These primary bronchi then enters into the respective lungs. These are the two lungs. ये है right lung और ये है लेफ्ट लंग. और आप देख रहे हो लेफ्ट लंग में छोटा सा कर्वेचर है. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हार्ट पड़ा है, यहाँ पे हार्ट पड़ा है. दैट्स व्हाई लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग. ठीक है. एंड दिस इज अ यू नो
मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम डायफ्राम बिल्कुल ठीक है डोम शेप स्ट्रक्चर डायफ्राम राइट इन प्राइमरी ब्रोंकाई यहां पर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स दिस डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई विच ऑल्सो है टी शेप्ड रिंग्स cartilaginous rings. These are secondary bronchi. Secondary bronchi आगे divide करती है tertiary bronchi. इसमें भी रिंग्स और ये टर्शरी ब्रोंकाई आगे बहुत सारी ब्रोंकियोल्स थोड़ी नहीं बहुत सारी 23 टाइम्स डिवीजन होती है 23 मींस एक बार डिवाइड हुए फिर आगे डिवाइड हुए फिर आगे डिवाइड हुए फिर आगे डिवाइड हुए बहुत सारी ब्रांचेस है हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते थोड़ा सा रेड मार्क पर इतना काम नहीं कर रहा नेटवर्क ऑफ बहुत सारी फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ब्रोंकियल्स अल्टीमेटली बहुत सारे ब्रोंकियल्स जो है वो किसमें ये है एल्वियोलर सैक और उसके बीच में ये छोटे छोटे से चैम्बर्स है कॉल्ड एज एल्वियोलाई बहुत सारे जैसे ग्रेप्स होते हैं ना ऐसे एल्वियोलाई है ठीक है और हवा यहां से आ रही है यहां से ये सारी अल्टीमेटली जो है दे आर रीचिंग इन द एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज से बाहर जा रहे इज इट ओके ठीक है दिस इज द रेस्पिरेटरी पैसेज मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी ये देखिए कि ये क्या है देखो पहली बात तो देखो कि हमारी थोरेसिक कैविटी या हम क्या देते हैं रिब केज क्या है ये देखिए रिब्स से बाउंड है ये आगे ये येलो सी आपको दिख रही है कैन यू सी इट समरीत जरावर यस मैम समरीत आप देख पा रहे हो यस मैम ठीक है ये देखिए ये जहां पे एरो दिख रहा है दिस इज ये क्या है ये हमारी स्टर्नम है चेस्ट बोन है आगे वाली ठीक है इससे क्या ज्वाइंट है रिब्स ज्वाइंट है ये देखो ये रिब्स जॉइंट है ठीक है आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो है जो हमारा ट्रेकिया आ रहा है ये स्टर्नम से जॉइंट है ऐसा नहीं बेटा स्टर्नम जो चेस्ट बोन है ये पीछे की तरफ है ठीक है और ये इसके साथ रिब्स जॉइंट है ठीक है और ये रिब्स पीछे ये आगे स्टर्नम से निकलते हैं और पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं राइट और आप देख रहे हो कि आगे स्टर्नम साइड में रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम और नीचे ये क्या है दिस इज डायफ्राम तो एक केज है ये दिस इज अ रिब केज जिसमें मैक्सिमम जगह किसने ली हुई है आप देख रहे हो मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय लंग दिस इज राइट लंग ये लेफ्ट ये देखिए इसमें एक कर्वेचर नजर आ रहा है दिस इज लेफ्ट हां जी बेटा मैम डायफ्राम बोन से बनी होती है या मेम्ब्रेन से मस्कुलर स्ट्रक्चर है बेटा ये मसल्स का बना हुआ है विच इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन अदरवाइज इट इज इन मस्कुलर स्ट्रक्चर बोन नहीं है क्योंकि मस्कुलर है तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है राइट मैम
राइट ठीक है, तो इस तरह से ये रिब केज है आपकी, ओके। और ये आपको दिख ही रहा है, ये देखिए ये ऊपर से ट्रेकिया आया, ये आगे ये प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद ये इसकी डिवीजन टर्शरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद जो व्हाइट व्हाइट पतली नजर आ रही है ये टर्शरी, और फिर ये आगे जितनी ये ट्री लाइक ब्रांचेस नजर आ रही है, व्हाट आर दीज, दीज आर द ब्रोंकियोल, जो व्हाइट वाली है जहां पे ट्रेकियल रिंग्स है ये है ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। आप थोड़ा सा देखो दोबारा से, ये देखिए ये है प्राइमरी, ये उसके बाद सेकेंडरी, और ये इसके बाद टर्शरी, ठीक है, और उसके बाद ये जो बाकी के ब्राउन या ब्लैक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं दीज आर द ब्रोंकियोल्स। डू यू गेट मी? यस मैम। चलिए अब ये आप ये जो मैंने पहले लिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ड्रॉ कर लीजिए, व्यू कि ये जो है ये देखिए ये आगे जो एक 7 नंबर लिखा हुआ है या 1 लिखा है जो भी लिखा है, दिस इज स्टर्नम राइट, और ये जो पीछे नजर आ रहा है ये वाला, ये पीछे ऊपर तक जा रहा है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये जो रिब्स है ये किससे जुड़े हुए हैं, स्टर्नम से आगे जुड़े हुए हैं, और पीछे आप देख सकते हो है ना, मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ, पीछे किससे जुड़े हुए हैं आपको नजर आ रहा है पीछे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो जो अंदर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि बोन्स ही है तो यहाँ पे नीचे जैसे जैसे रिब्स है यहाँ पे नीचे जो है क्या होगा, दैट इज इधर से इधर तक यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम होगा, ठीक है, वो नीचे से बंद कर देगा राइट। तो अंदर क्या है एक जाला सा बन जाएगा, एक केज बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिब केज है ना, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी वेयर मैक्सिमम वॉल्यूम इज टेकन बाय द लंग्स, ओके ठीक है। चलिए तो अब हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ग्लॉटिस है ना, ये ग्लॉटिस आपको पता ही है, एंड दिस इज कवर्ड बाय ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, ये ऐसे लीफ लाइक जो है इधर को खुल गया फिर बंद कर दिया, खुल गया बंद हो गया, इस तरह से करता है। जब फूड ईसोफेगस में जा रहा है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि यहाँ पे फूड ना चला जाए राइट। अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड एज लेरिंक्स, दैट इज वॉइस लेरिंक्स, दिस इज मैंने बताया राइट लंग है, इट इज कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा कह देते हैं हम इसको, ईच लंग इज कवर्ड बाय प्लूरा, आउटर इज पी ए आर आई ई, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर इज विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन या सिंपली प्लूरा भी कह देते हैं। इन बिटवीन ये जो है दिस इज प्लूरल कैविटी फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड, बेटा ये प्लूरल फ्लूइड जितना है मतलब जितना होना चाहिए उतना ही जरूरी है, जरूरी भी है ये प्लूरल फ्लूइड, क्यों, क्योंकि इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। इसका क्या मतलब है कि यहां से हवा, जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते जाएं कि हवा जो है हम अनलिमिटेड तो डीप ब्रीदिंग नहीं ना कर सकते, तो क्या है
कि हवा एक लिमिट तक ही लंग्स जो है एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद अगर ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे तो ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये अंदर को प्रेशर करके उन्हें लिमिट कर देगा कि इससे ज्यादा नहीं, बर्स्ट नहीं कर जाना है तुमने, ठीक है। और प्लूरल फ्लूइड और क्या करता है ये, क्योंकि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जब इन्होंने हवा बाहर फेंकनी है या एक्सपैंड हो रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो उस दौरान ताकि लंग्स की मेम्ब्रेन या लंग्स के जो ये दो मेम्ब्रेन है इनमें फ्रिक्शन ना हो, ये ड्राई ना रहे, फ्रिक्शन होगी तो ये रप्चर कर जाएंगी जल्दी, ठीक है। तो जो प्लूरल फ्लूइड है इसके दो मेन फंक्शंस है, इट कीप्स द मेम्ब्रेन्स मॉइस्ट एंड दस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू मेम्ब्रेन, एंड सेकेंडली इट प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग। ये नहीं भी करते जाओ ऐसा नहीं होता, राइट। सो दिस इज प्लूरल फ्लूइड, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर जब हम इसको काटते हैं अंदर से, रिब केज हम खाली करते हैं, लंग्स को हमने देखना है, स्टर्नम हमने हटाई, यहां से रिब्स काटे, तो हमें इस तरह जब हम रिब्स काटते हैं ना ताकि आपको डायग्राम आ जाए तो ये पता चले कि ये बाहर क्या है, ये रिब्स का जो है वो पार्ट नजर आता है। राइट और अंदर ये लंग्स की कैविटी है, ईच लंग राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू, मैं अब यहां नहीं दिखा रही हूं, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर, राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर, और जो लेफ्ट लंग है क्योंकि ये छोटा है it is divided into two chambers only, right, and inside the lungs there is a network of bronchi and several bronchioles and alveoli. So kya aa jata hai, dekho, trachea, two primary bronchi, divides to form secondary bronchi. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ हो गया बेटा। मैम मेरे कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे हैं इसलिए मैं वीडियो ऑफ रख लूँ। हाँ हाँ वीडियो ऑफ रखो बेटा, कोई बात। थैंक यू मैम। ट्रेकिया है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर बहुत सारे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड करते हैं टर्शरी ब्रोंकाई, मैं ये रब कर रही हूं, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद 23 टाइम्स ब्रांचिंग्स टू फॉर्म मेनी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड करके इनफंडिबुलम दैट इज स्टॉक, किसकी स्टॉक, एल्वियोलर सैक इसकी स्टॉक है, और फिर हो जाता है एल्वियोलाई। ट्रेकिया से लेकर ब्रोंकियोल्स तक क्या है, देयर इज प्रेजेंट
कंडक्टिंग पार्ट, हवा को ये बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। यहां पे मेनली एल्वियोलाई, इट इज द एक्सचेंज पार्ट विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एनवायरमेंट, ठीक है, या ब्लड एंड एयर हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर को लिखते हैं, कंडक्टिंग पार्ट का पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिटवीन, मेनली अगर हम बात करें एल्वियोलाई एंड एनवायरमेंट, ये तो हमें पता ही है। और क्या पार्ट है, रिमूव्स डस्ट एंड माइक्रोब्स फ्रॉम एयर, जो बाहर से एयर आ रही है उसमें से डस्ट माइक्रोब्स रिमूव करता है ना, हेयर है हमारे नाक में ये रिमूव करते हैं, उसके बाद सीलिया है वो रिमूव करता है। थर्ड है ह्यूमिडिफाई ड्राई एयर, मॉइस्चर ऐड करता है, नहीं तो ड्राई एयर जो है लंग्स को स्टिफ कर देगी। देन फोर्थ इज टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एयर एट बॉडी टेम्परेचर, अगर बाहर से ठंडी हवा आ रही है तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक या कंडक्टिंग पार्ट जो है उसको गर्म कर देगा, उसको उस लेवल पे ले आएगा। और एक्सचेंज पार्ट क्या हो रहा है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, EXC स्पेलिंग ठीक कर लेना, बिटवीन एयर एंड ब्लड, ये काम कर रहा है। कौन सा पार्ट, इनफंडिबुलम एल्वियोलर सैक एल्वियोलाई, बट मेनली कौन कर रहा है, एल्वियोलाई कर रहा है। इज इट ओके, ये बना लो और फिर हम आगे करते हैं। ये देखो कि मैंने क्या कहा कि ये जो आ रही है, ये देखो ये दिख रही है कार्टिलेजिनस रिंग्स वाले, ये सब ब्रोंकाई है, आगे ब्रोंकियोल्स बहुत सारे और वो सब पीछे का छोड़ो, बट ये देखिए ये क्या है, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर, दीज आर एल्वियोलाई, ये पूरा एक जो गुच्छा है, ये अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो ये पूरा इधर आ जाओ, ये पूरा जो है ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज एल्वियोलर सैक, ये पूरा एक एल्वियोलर। हाँ जी बेटा, मुझे नहीं शो हो रहा, खैर मैंने पता नहीं शेयर किया है कि नहीं किया, देखो खैर आई एम सॉरी, अब दिखेगा। हाँ जी जोरावर और समरीत को अब दिखेगा, दिख रहे हैं आप दोनों को? यस मैम। मेरी ही थोड़ी सी गलती थी, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये पूरा ये जो कर्सर जा रहा है ये पूरा जो है ये है एल्वियोलर सैक, और इसमें ये छोटे 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 जो ये राउंड से स्ट्रक्चर है, these are alveoli, और मैंने आपको क्या बताया है कि these alveoli are highly vascularized, ये red वाली artery है और ये blue वाली vein है, आप ये देख लो ये कितनी divide करके ये सारा इन्होंने क्या किया हुआ है, blood vessels, ये blood capillaries है जिन्होंने सारे alveoli को घेरा हुआ। Do you get me? कुछ समझ दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है आपको? yes, किस तरह से अंदाजा लगा पा रहे हो कि कैसे होंगे हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा राइट डाउन. अब लिख लो, लिखने वाला पार्ट है, आप राइट डाउन. द एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड देन इनटू नेजल चैम्बर्स. Then into nasal chambers. Next point करके लिखिए. Nasal chambers are lined by hair. Nasal chambers are lined by hair, which trap the dust particles. Which trap the dust particles entering with air. Entering with air. The posterior part, पीछे वाला है ना, the posterior part of the nasal chamber, the posterior part of the nasal chamber consists of sensory olfactory membrane which helps in smelling. Which help in? Smell. Sunghna. Nasal chambers opens into pharynx. Next point करते हैं. Nasal chambers open into pharynx. Through internal nares. Next point करके. Pharynx is the common passage. और अगर specific आ जाए तो oropharynx. Pharynx is the common passage for food and air. Next point है, in the neck part, the pharynx divides into two tubes. Anterior trachea and posterior esophagus. या हम कह सकते हैं ventral trachea, आगे वाली side is ventral. Ventral कह लो ज्यादा ठीक है. That is ventral trachea and dorsal. जो पीछे वाली साइड है ये dorsal है. Dorsal esophagus. Next point है. The opening of pharynx into trachea is called as glottis. GLOTTIS. Is called as glottis, which is guarded by elastic cartilaginous. Elastic cartilaginous leaf-like structure. Called as epiglottis. Leaf-like structure called as epiglottis. Full stop करके. It closes glottis during swallowing of food. Next point है, upper part of the trachea. ये वाला जो region आ जाता है. Upper part of the trachea is the cartilaginous structure called as larynx.
कॉल्ड एज लेरेक्स और साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स. लेरेक्स LARYNX लेरेक्स दैट इज साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेकिया इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज लाइंड बाय अंदर वाली साइड जो इसकी दीवार है विच इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम एंड इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग. पहले इसकी दीवार किसकी बनी हुई है? एपिथेलियम की. और उसके फिर अंदर क्या है? कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेज है. नेक्स्ट पॉइंट द सीलिया. सीलिया बीट्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ. सीलिया बीट्स अपवर्ड एंड थ्रोज आउट डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स. Dust particles or microbes with cough and sneeze. खांसी आती है, छींकें आती है, उससे ये dust particles, microbes बाहर जाते हैं. With dust particles, it throws out dust particles and microbes with cough and sneeze. Next point, the cartilaginous structures. The cartilaginous rings हम कहेंगे cartilaginous rings. अब आप थोड़ा सा सोच के देखो कि एक बलून है बेटा. बलून में हमने हवा भरी तो फूल गया. जब हमने वो छोड़ दी, ऊपर से बंद भी नहीं किया, तो क्या होगी? वो हवा बाहर निकल गई और दैट बलून की वॉल्स आपस में चिपक गई. और कई बार इतनी चिपक जाती है कि दोबारा से हवा भरो तो उसमें हवा नहीं भरी जाती. ये चीजें क्योंकि हमारी बॉडी है, बलून्स तो है नहीं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये जो ट्रेकिया है इसकी दीवार आपस में ऐसे चिपक जाए इनकेस अगर इसमें हवा ना हो. तो इसमें अगर हम बलून में भी रिंग्स फंसा दें तो वो बेटा खुले रहेगी, बिल्कुल उनकी बॉल्स नहीं चिपकेंगे. ठीक है, यही रिंग्स का काम है यहाँ पे. द कार्टिलेजिनस रिंग प्रिवेंट collapsing of trachea. collapse दीवारें चिपक गई, collapse कर गया. collapsing of trachea in the absence of air. in the absence of air. और आज के लिए last point है at the level of fifth thoracic vertebra. at the level of फिफ्थ थोरेसिक. देखो बेटा, गर्दन में हमारे कौन से है? सर्विकल वर्टीब्रा. चेस्ट में कौन से है? थोरेसिक वर्टीब्रा, है ना. और 12 होते हैं थोरेसिक वर्टीब्रा. देयर आर 12 थोरेसिक वर्टीब्रा. ठीक है, यहां से शुरू हो गए और यहां तक 12 है. तो जो फिफ्थ लेवल पे है तकरीबन यहाँ पे, इट डिवाइड इंटू, ट्रेकिया आ रहा है यहाँ से और इट डिवाइड इंटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई. तो लिखो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, पांचवें फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई विच एंटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव लंग्स. Which enters in the respective lungs. उसके बाद अब हमने किसका काम करना है? अब हमने लंग्स के अंदर का देखना है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन.
give differences between direct and indirect respiration. Direct and indirect respiration. और इसका बी पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. Name the tissue in our body. Name the tissue in our body which helps in exchange of, which helps in transport of gases from lungs to cells or vice versa. Which helps in transport of gases between lungs and cells. नेक्स्ट आ जाइए. डिफाइन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रिंकियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. डिफाइन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रिंकियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. गिव एग्जाम्पल्स, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्टिब्रेट्स. From vertebrates. ठीक है जी. तो दिस इज ऑल फॉर टूडे बेटा. और नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे, डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर कर ली. ठीक है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस जो मैंने बताया है वो डायग्राम एक बार दोबारा से बना लो. राइट बच्चे? ठीक है.